चलो बोलो मामा या माई की। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब मस्त है? वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मंडे है, दुकान वगैरह सेट कर रहा था, दुकान लगा रहा था, लेकिन ना थोड़ा सा ना प्रोग्राम में मिस्टेक हो गया। मतलब जिद करने लगे कि सभी लोग आ चुके हैं, कल ही मेरे मम्मी पापा आए, वो तो आज मामा या मंदिर चलो। अगर मामा या जाऊँगा तो मेरी दुकान को लेट हो जाएगा, 2 बज जाएंगे 1:30 बज जाएंगे। मेरा भाई लेकिन उसके बाद लगा सकता है। तो मेरा भाई क्या कर रहा है? मेरा भाई दुकान लगाएगा, भाई योगी से गाड़ी चलाएगा, क्या कर रहा है? चलाना है और क्या करना है? उसको ढाक देते हैं पहले, इसको ढाक देते हैं एक बार। जब मैं ठेला इसमें बनवाऊंगा ना, ठेला बनवाऊंगा तो इसको उठाने के लिए मेरे को यहाँ अपना कर देना पड़ेगा ठेला के बॉडी में। अच्छा, हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि वही चेक करना पड़ता है, कभी कभी मिस्त्री लोग को दिखाना पड़ता है, तो बन जाएगा उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। तो योगेश बोल रहा है कि चालू कैसे करना है। देख, सबसे पहले इसको उठा एक हाथ से, उस हाथ से इसको उठा पूरा, ठीक है। और चाबी को एक राउंड ये घुमा दे, दूसरा राउंड ये घुमा दे, चालू हो गया चाबी। चाबी को ऐसे लेना है, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ना है, ठीक। इसको छोड़ने के बाद तुरंत चाबी छोड़ देना, चल चालू कर। अरे गियर में है नहीं है? गियर में नहीं है। कैसे पता चलो? मैं अभी छेड़छाड़ कर लिया हूँ। छेड़छाड़ कर दिया है? तेरा दिमाग तो और खराब है। देख पीछे करता हूँ मैं एक बार। नहीं गियर में नहीं है, चल पक्का ना? हाँ पक्का गियर में नहीं है। उसको उठा, चाबी घुमा, उसको छोड़, इसको छोड़, हाँ इसको छोड़। नहीं यार नहीं बन कर पा रहा, जुगाड़ नहीं बना पा रहा है। हाँ घुमा, ऐसे मैंने गियर फंसेगा, दिखा मैं चालू करता हूँ इधर। तो अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं टेम्पो में थोड़ा सा पानी लगा दूँ, मतलब पाइप खोल के यहाँ से। तो अभी पाइप को सीधा कर रहा हूँ क्योंकि धूप में था ना, एकदम लूज हो गया है पाइप ये वाला। अब चालू करके आता हूँ एक तरफ से। हटो 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 हटो। अरे आहिन, अच्छा आ गया आ गया आ गया। ये धूल तकड़ा है ना, पूरा इधर साफ कर दूंगा इसको। इसको ना एक बार ना वहाँ पे ले जाके धोना पड़ेगा, मतलब जो प्रेशर होता है ना वहाँ पे एक बार धुलवा दूंगा ना तो और साफ हो जाएगा, मस्त एक नंबर। वहाँ तो मान ले वहाँ तो 250 रुपये लेते हैं, मेरे ख्याल से साफ हो जाएगा पूरा उसके बाद। बोरा रख लेता हूँ पीछे, पानी पानी हो गया पूरा, जो बच्चे लोग हैं पीछे बैठ जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो मामा या माई की, ले पकड़ो। अभी गाड़ी में मैं, मतलब गाड़ी नहीं है टेम्पू है, अभी मैं और मेरी दादी हैं, मेरी मम्मी गए हैं मेरी दीदी के यहाँ बुलाने के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पे। अब वो आ जाए तो फिर चलूँ मैं भी। तो अभी मैं ना टेम्पू को यहाँ पे रोक दिया हूँ, मिठाई ले आइयो, और मैं 100 रुपये का डीजल डलवा लेता हूँ इसमें। मोटरसाइकिल में 50 का, इसमें 100 रुपये का बहुत है, ये लेके आता हूँ, सामने पेट्रोल पम्प है। तो अभी मैं डीजल ले आया हूँ और ये लोग देखो यहाँ पे बैठ गए, डीजल को पकड़े रहे ना, और मेरे पापा आगे जाके मिठाई ले रहे हैं। तो अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, देखिए टेम्पो वहाँ पे खड़ा कर दिए, और ये देखिए ये है हम लोग सूरजपुर का मामा है मंदिर। बजाओ घंटी बजाओ, डूडू को पकड़ ले, डूडू को पकड़ ले, गिरा दे हमें, पापा को दे दो, आ जाओ करना है, आ जाओ चलो। तो मेरी दादी भी हिम्मत करके आ गई यहाँ पे धीरे धीरे, और यहाँ पे देखिए इस तरफ पेंट वगैरह हो रहा है अभी। ए चेंगू कहाँ?
जाओ इसमें ना पूरा घंटा बजाना है जितने भी मंदिर में है। और इधर से मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा व्यू ना, ये देखिए सारे मंदिर हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाका ही है। और इसको बोलते हैं दोस्तों महामाया मंदिर, हम लोग के सूरजपुर में है। और ये देखिए आसपास पूरा, मतलब ये पहाड़ के ऊपर ही है छोटा सा पहाड़। और ये इधर ही एक मंदिर है हम लोग तरफ, कुदरगढ़ी माँ का मंदिर, वो बहुत दूर है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं उसके लिए। चलो करो पूजा पाठ, आ चुके हैं ऑटो का पूजा कर दे रहे हैं। ये लीजिए महाराज, देख लीजिएगा परेशान मत करें ना। और मेरे पापा लोग भी आ रहे हैं वहाँ से दर्शन वगैरह करके, सब लोग बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब तो यहाँ पे देखिए गौ माता है, यहाँ पे अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए मूर्ति है। और ऊपर में ना छोटा सा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ कहाँ, सुबह से मैं खाली पोहा खाया था, खाना नहीं खाया हूँ। और बहुत तेज भूख लगा है भाई मेरे को, चाय पी के आए बस। ले डूबो मारो डुबकी, ले ऐसे खा ले, ले फेंक के मार दी। हैं कौन है ये, नीचे हैं और मैं नीचे ही था, वही पूजा पाठ करवा रहा था। और बाकी लोग ना इधर आ गए हैं, डुग डुग मेरी मम्मी, डुग डुग की मम्मी। अब सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ, पैर भारी हुआ एकदम तेज। तो यहाँ पे देखिए गौ माता है, यहाँ पे अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए मूर्ति है। और ऊपर में ना छोटा सा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ कहाँ, सुबह से मैं खाली पोहा खाया था, खाना नहीं खाया हूँ। और बहुत तेज भूख लगा है भाई मेरे को, चाय पी के आए बस। ले डूबो मारो डुबकी, ले ऐसे खा ले, ले फेंक के मार दी। तो मेरे को भूख लगी है, मैं प्रसाद खा लेता हूँ बस। चलो 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 भाई, घूम ला गया सो रात है। तो घर साइड आ गए हैं, मतलब सूरजपुर में ही आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो राहुल दुकान यहाँ पे लगाया है, किशन तो आज घूम रहा है। और यहाँ पे गन्ना जूस पीने के लिए रुके हैं सारे लोग। जाओ पियाओ, उतरो, जाओ डुक डुक, ए डुक डुक। और राहुल कुमार लगे हो, ले खिलाओ फुल्की, खिलाओ सबको। मेरी मम्मी पूछ रही कितने के चाट बनाते हो, देख रहे ना पैसे से नहीं मिलेगा ना। तो फुल्की तो खा ली, चलो जूस पी लो, ले 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 ले। मजा आ रहा है पता है, फैमिली के साथ में कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है घूमने के लिए। ले लीजिए ले लीजिए, अरे मार लीजिए, हो गया किसान। पैसा पैसा दो, जूस के पैसा, अरे मैं पिलाऊं। और चाहिए है ना, और चाहिए पापा मम्मी को और। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी घर आ चुके हैं, और अभी ना मेरे को एक और पार्टी में जाना है, और उसके बाद मैं बताऊंगा उस पार्टी से आने के बाद बताऊंगा कि एक और पार्टी में जाना है। मजा आ गया आज तो, नहीं तो मामा मजा आ गया। गुरु जी के यहाँ आ गया हूँ, प्रसाद दे दिया हूँ, और कहीं जाना है इनको अंबिकापुर ना। कब तक आओगे? 7-8 बजे का। दोस्तों वहाँ से आने के बाद अभी मैं फिर से जा रहा हूँ, कपड़ा चेंज कर लिया है। एक मेरा दोस्त था जो छठवीं से लेके 12वीं तक मेरे साथ पढ़ा था, एक ही क्लास में थे और एक ही स्कूल में भी हम लोग, कलर शायद सीधा नहीं हुई है। तो उसके बेटे का अनुप्राशन है, नाम किरण है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग अभी महामाया गए थे ना, रास्ते में पड़ा भी, तो मैं उससे बोला उतार दूँ सब लोगों को टेम्पू में, जितने लोग थे सारे। तो मैं उससे बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आया, बोला उतार उतार उतार। तो मेरे बाबा बोले नहीं नहीं घर चलते हैं, फिर बाद में तुम लोग को फिर से आ जाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं फिर से। तो अभी मैं अनुप्राशन वाले लोकेशन में पहुँच चुका हूँ, नाश्ता मिल गया है, और फोटोग्राफर भाई साहब पहले से खा रहे थे, तो थोड़ा सा उसमें से मैं भी खा लिया, अभी इसमें से खाना तुम भी साथ में। डुक डुक की मम्मी अंदर चली गई अभी, मेहमान वगैरह को पूछो
खुद लगवाए खुद मेहमान पहले खा चुके हैं उसके बाद हम ले रहे हैं का खाना है चालू हो गया देखो जाओ हाँ देखो ये है मेरा क्लासमेट मतलब मेरे स्कूल का फ्रेंड है इधर देख हाँ। लेकिन ये अपनी वाइफ के लाया का है भाई का है डॉक्यू लेकिन नहीं घूम पाते लो भैया पूरी दे दो दो ठो दे देना ज़्यादा मत देना दो पूरी दे दीजिए हाँ ओनली फॉर टू थोड़ा सा चावल जी हल्का सा ना बस इतना सा दे देंगे पनीर सब्जी थोड़ा सा इस साइड रख दीजिएगा ना बस इसको मत दीजिए इसको मत दीजिए थोड़ा खीर दे दो भैया खीर भैया थैंक यू रोहन हाँ इधर लिखाओ तो वहाँ थाली दे दिया हूँ और डूडू को घर में छोड़ गया है तो परेशान कर रही होगी या फिर हो रही होगी जैसा भी खा लेते हैं फिर निकलते हैं हम लोग भी हाथ बना दीजिएगा पैकेट में हाथ डालते हैं बार बार और दो मोबाइल दोनों तरफ से ना एक तो बनाना है सिंगल सीखिएगा तो भौजी नहीं बहुरिया है तुम्हारी अच्छा, उम्र देखो अपना उम्र उम्र तो बचपन का दिल भी तो बचपन का है ठीक है बेटा बोल लो जो बोलना है मिर्ची में डालना ना बिल्कुल नहीं आदम तो मार्केट ठंडा हो गया अभी नहीं आदम गरम है हाँ मैदा की पापड़ी फोड़ देना अपनी तरफ से आदम तो ले मिर्ची में डालना मिर्ची बिल्कुल ना लो दो इधर अरे वाह अरे वाह तो ठीक खिलाइए भी है ना धन्यवाद चलते हैं घर अभी भीड़ हो गया यहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ से आ गया था मैं जो अनप्रासन का पार्टी था वहाँ से आ गया था और मैंने आपको बताया था कि मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी है ठीक है तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ और ये देखिए घर किसका है डबल बिल्डिंग वाले तो यहाँ पे मैं चूल्हा ले जा रहा हूँ अपना वाला क्योंकि यहाँ पे जो गैस है ना वो थोड़ी स्लो चल रही है और मेरा चूल्हा जो थोड़ा सा फास्ट चलता है अब देखते हैं उसी को तो यहाँ पे मैं देखिए गैस का टंकी अपना फिट कर दिया हूँ चूल्हा वगैरह और यहाँ पे देखिए पनीर बन रहा है अभी वाह कि पनीर का सब्जी बन रहा है और इसमें गोभी वगैरह का मिक्स वेज है अभी पनीर का सब्जी खाएगा ना कच्चा खाएगा कि पक्का खाएगा पक्का खाएगा वाह बेटा यहाँ पे अभी खाना पीना बन रहा है और मैं योगेश आदमी केक लेने के लिए केक का ऑर्डर दे दिए थे ना ठीक है सुबह क्या थे 6:30 बजे के आसपास बोल के आए थे तो होटल आ चुके हम लोग और ये रहा केक कुछ लंबा नहीं करवा दिया थोड़ा सा और दबवा देता ना उसको ठीक है चल वैसे आएगा भैया उस डब्बे में सब आ जाएगा तो अभी यहाँ पे रूम डेकोरेट कर रहे हैं देखो थोड़ा सा ऊपर ठीक थोड़ा सा और ऊपर हाँ ये ठीक रहेगा छोटा बड़ा कैसे हो गया ये रहता होगा पता है ध्यान नहीं दिया होगा रहता होगा थोड़ा सा नहीं सेंटर में तो है सेंटर में तो है टेप कहाँ है ये रहा टेप लगा देते हैं इसमें तो जहाँ पे खाना बन रहा था ना वहाँ से हम लोग उठा के अभी पनीर ला दिया हूँ मैं चावल भी ला दिया हूँ और बाकी आंटी लोग बोले पूरा सामान वहाँ पर ला के रख देना और यहाँ पर देखो योगेश ने पूरे रेडी कर दिया है योगेश इस कार के लिए तुमको पुरस्कार दिया जाता है क्या पुरस्कार क्या चाहिए बता दिखा दीजिए घुमा के एक बार सब जगह यही ना मस्त किया है जीत गई वाह बेटा जीत गई अभी खाना बन रहा है यहाँ पे लेकिन इसमें टमाटर का चटनी बन रहा है अभी और वहाँ पे पूड़ी बन रहा है और मस्त सेठ जी देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर पूड़ी छान रहा है गर्मा गर्म ऐसे ही फुल्की छानते हैं हम लोग पता है ऐसे ही छानते हैं फुल्की तो अभी केक वगैरह कटने की तैयारी हो गया है हम लोग भी आ गई है सोनू भी रेडी हो गया गप्पू भी अभी रेडी सब हो गए हैं किसी का अच्छा एक है तो अभी देखिए गप्पू भैया गुरु जी यहीं पर खड़े हुए हैं आइए आगे केक वाला ना एक नंबर केक का वीडियो रिकॉर्ड किया है भैया अभी बजाओ भाई बजाओ दीवार वाला अगले साल फोड़ेगा अगले साल फोड़ेगा दीवार वाला नहीं 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 बच्चा नहीं देख 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 और भाई को इधर
बाबू देख भाई मैं ले जाऊंगा। अरे गप्पू भैया चॉकलेट बीन रहे हैं, बताइए गुब्बारा में से बीने दीजिए। एक छोर कौन कौन सा, कौन कौन सा मिला है, कौन कौन सा मिला तुम लोग को? जली आपको भी मिलाएगा, खाइए आप भी खाइए। खाना खाने का टाइम हो गया है, कहाँ पे व्यवस्था? इस तरफ बैठो योगेश कुमार, सॉरी शुभम कुमार, मेरे पापा बैठ गए हैं, बैठिए आप भी। हाँ साहब जी बैठिए बैठिए भैया, खाना खाइए भैया। उसको बंद कर देना, बंद कर देना उसको, गणेश रूम को बंद कर देना। गणेश कहाँ जा रहा है? खाना खाइए, खाली करने अनिल। खाना खाएंगे लाइट तो चालू कर दे। तो अभी मैं बैठ गया फिलहाल गुरुजी, सही रहेगा ना? हाँ तुम लोग से कुमार यहाँ पे प्याज का सलाद रखते हुए, योगेश कुमार की जय हो। बस भाई बस चालू हो गया यार अब तो यार। तो चलिए खाना आ चुका है, खा लेते हैं। खाइए गणेश भगवान।